पहले लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है, लेकिन अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो रोज़गार से संबंधित रहने वाली है और आज हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर के एसके मशीनरी के पास। दोस्तों, हिमांशु जी हैं जो लगभग पिछले 8 वर्षों से मशीन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। आज जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मुजफ्फरपुर के साथ साथ दिल्ली में भी है, हालांकि इनका रांची में भी अपना ब्रांच है, लेकिन वहाँ मशीन मैन्युफैक्चर नहीं होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कोई आत्मनिर्भर बन सकता है। बहुत आज दोस्तों कोरोना के बाद ऐसी स्थिति हो गई है कि बेरोजगारी दर बहुत देश के अंदर बढ़ गया है, तो कैसे कम पैसे में अपना स्वरोजगार बनाया जाए, इसी पे आज की वीडियो आधारित रहने वाली है। दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत तरह की जानकारी, काफ़ी अच्छी जानकारी अभी हिमांशु जी देंगे, जिसमें अलग अलग मशीनों के बारे में बताएंगे जो आपके बजट के अनुसार होगा और आप अपने अनुसार उसको शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हिमांशु जी, कितने दिनों से इस काम को आप कर रहे हैं? 8 साल हो गया सर। 8 वर्ष जी। अभी फिलहाल में कौन कौन सा मशीन और कितने तरह के मशीन आप बना रहे हैं? सर, हमारे पास 15 से 20 प्रोडक्ट है। बॉल पेन है, एस्कवर है, कॉटन बिक है, नोटबुक है, पेपर प्लेट है, स्लीपर है, आपको वेलवेट पेंसिल है, नोटबुक है, आपको जो हो गया कॉटन बिक है, नूडल्स का है, चाउमिन का मशीन है, आप ईंटा बनाने वाला मशीन ले लीजिए, सारा मशीन बिकता है हमारे यहाँ पे और मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। अच्छा, मशीन का मैन्युफैक्चरिंग आप खुद करते हैं? जी जी, मशीन का मैन्युफैक्चरिंग भी खुद होता है और रॉ मटेरियल भी उसका खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। अच्छा। हिमांशु जी, आप जैसे मशीनों के बारे में बात करते हैं, तो एक एक करके थोड़ा सा उसके बारे में उसका विवरण दीजिए हमारे दर्शकों को। सर देखिए, हमारे पास लो इन्वेस्ट से लेके आप जितना इन्वेस्ट कीजिएगा ना, उतना आपको अगर बजट है कि 15,000 में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप 15,000 रुपये से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। 15,000 में आप जो है बॉल पेन का भी मशीन लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर इन्वेस्ट कीजिएगा, 35,000 इन्वेस्ट कीजिएगा, तो पेपर प्लेट का मशीन लगा सकते हैं, स्क्रबर पैकिंग लगा सकते हैं। उसके बाद में आप जो है कि 1,00,000 रुपये लगाइएगा, तो आप जो है अगरबत्ती का बना सकते हैं, मशीन लगा के मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर आपको ईंटा बनाना है, तो ईंटा बनाने के लिए 2,50,000 रुपये का मशीन आता है, वो भी आप ले सकते हैं। आपकी बजट जितना हो उतना से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे बात कर लूँ कि सर्विस में, तो सर्विस भी हमारे यहाँ से जो है कि आपको हमेशा मिलेगा। ये नहीं कि आप मशीन हम बेच दिए आपको सर्विस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसा है कि मशीन बेचने के लिए बेच देता है, उसको सर्विस नहीं मिलता है। हमारे यहाँ से क्या है कि आपको मशीन भी मिलेगा, सर्विस भी मिलेगा। अगर किसी प्रकार की आपको मार्केटिंग में अगर दिक्कत आ रहा है, तो वो भी मार्केटिंग के भी हम सहयोग करते हैं। हिमांशु जी, यहाँ आने के बाद जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आपके यहाँ से फिनांस की भी सुविधा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर देखिए, फाइनेंस में एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप 15,000 की बजट कीजिएगा, 15,000 का मशीन लेते हैं, तो 15,000 के तो कोई फाइनेंशियर होगा नहीं। बिल्कुल। अगर आप बड़ा प्रोडक्ट लेते हैं, अगर 1,00,000 से ऊपर का अगर मशीन लेते हैं, तो हम फाइनेंस करवाते हैं। जी, आप 50% या आपको जो है कि 25% आपको जितना मन है आप उतना दे के जो है अपना मशीन लगा सकते हैं। आपको किस्त बना जाएगा, उतना का आपको किस्त जो है देना पड़ेगा, हर मंथ देना पड़ेगा। अगर आप एक भी अगर किस्त अगर तोड़ते हैं, तो आपको एक किस्त का माफ़ कर दिया जाएगा, सेकेंड किस्त वाला आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं पेपर प्लेट जो मशीन होता है उसके बारे में, उसके बारे में बताइए, उसके डाई के बारे में बताइए। सर देखिए, पेपर प्लेट का मशीन एक्चुअली जो हमारे पास में है, दिल्ली में भी मशीन बनाने के लिए बनाता है, बट वो नाम के लिए मशीन रहता है, काम के लिए कोई मशीन नहीं रहता है। हमारी जो मशीन होता है वो चैनल पे होता है, 3 इंची चैनल पे मशीन बना रहता है। आपको जो है 16 इंची बेलन रहता है। बेलन हम लोग इसलिए 16 इंची दबाते हैं कि ताकि अगर आपको जो है बड़ा प्लेट बनाना है, 14 इंची तक अगर आपको प्लेट बनाना है, तो आप बड़ा जो है 16 इंची का बेलन रहेगा, तभी तो आप 14 इंची का प्लेट निकाल सकते हैं। दिल्ली में एक्चुअली क्या होता है कि वो 12 इंची आपको बेलन लगा कर दे देगा, तो बस आप डोना ही बना सकते हैं, कटोरा ही बना सकते हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं। हमारी जो मशीन है उसमें आप कटोरा बना सकते हैं, नाश्ता प्लेट बना सकते हैं, चाउमिन प्लेट बना सकते हैं,
खाली बना सकते हैं, सारी चीज़ आप बना सकते हैं। बड़ा प्लेट से लेकर छोटा प्लेट तक हमारे मशीन में आप बना सकते हैं। मात्र 35,000 की सिंगल डाई मशीन है। अगर आप डबल डाई की मशीन की बात कर ले तो डबल डाई में हमारी जो है, अगर डबल मोटर की भी मशीन है हमारे पास, सिंगल मोटर की भी मशीन है। सिंगल मोटर में दिल्ली में क्या होता है कि एक साइड सिंगल मोटर देता है, हम जो है कि बीच में मोटर देते हैं ताकि दोनों क्रैंक एक साथ चले। अगर आपको भविष्य में माना है कि हम दो सिंगल सिंगल कर ले तो एक एक जो है सिंगल हो जाएगा, एक सिंगल हो जाएगा, दोनों एक एक सिंगल हो जाएगा। और दिल्ली में क्या है कि आपको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उसमें आप बड़ा प्लेट तो कभी बना ही नहीं सकते हैं। हमारे मशीन में बड़ा प्लेट भी बना सकते हैं, कटोरा भी बना सकते हैं और खुली चैनल की मशीन रहेगा। अगर कभी भी लोहा बैंड, अगर 5 साल के अंदर में लोहा बैंड करता है तो मैं उनको मशीन रिप्लेस करके नया मशीन फिर दूंगा। अब जैसे बात करें सिंगल डाई और डबल डाई की, तो उसमें बिजली का कंजम्पशन कितना होगा? सर बिजली की आपको जो है कि खपत उसमें सिंगल फेज की ज़रूरत होता है, जो कि हम लोग घर में टीवी फ्रिज जो चलाते हैं उसी सिंगल फेज पर जो है हमारी मशीन चलता है। और इसमें ज़्यादा कोई किलोवाट लेता भी नहीं है, 2 किलोवाट काफ़ी हो गया। वैसे कमर्शियल लेने में ज़्यादा फायदा होता है कि ताकि जो है कि हमारी मशीन जो है अच्छा चले, कोई मेरे पर जो है उंगली नहीं उठा सकता। बट अगर आप छोटा बिजनेस करते हैं, अगर एक मशीन लगाते हैं तो आप अपने घर के कनेक्शन पर काम कर सकते हैं। अब जैसे सर हम अगरबत्ती की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अगरबत्ती का जो मेकिंग मशीन है उसके बारे में। सर देखिए अगरबत्ती मेकिंग मशीन क्या है, उसमें 2 टाइप की मशीन आता है, एक आपको मैनुअल मशीन आता है, एक आपको ऑटोमेटिक मशीन आता है, फुल्ली ऑटोमेटिक आता है। अगर आप मैनुअल मशीन लगाते हैं तो वो 20,000 रुपये की डबल पैडल के साथ में आपको हमारे यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। रॉ मटेरियल लेके आपको 35,000 रुपये में अपना काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो 85,000 का भी मशीन है, 75,000 का भी मशीन है, ठीक है। आप 1,00,000 रुपये से उसमें रॉ मटेरियल लेके आप 1,00,000 रुपये से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होगा, हर घंटे कितना स्टिक वो निकालेगा उसके बारे में थोड़ा सा? एक घंटे की आपको उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको जो है कि 10 kg आएगा। हंटन कंपनी का मशीन रहेगा, एक घंटे के प्रोडक्शन 10 kg आएगा। अगर आप 8 घंटा चलाते हैं तो आपको जो है कि वही 80 kg माल निकालेगा। अब थोड़ा सा सर बता दीजिए जो कपूर का जो मशीन है उसके बारे में। सर कपूर की मशीन हमारे पास 4 तरह की मशीन है, 2 टैबलेट, 6 टैबलेट और 10 टैबलेट और स्लैब। स्लैब का मशीन लेते हैं तो 1,10,000 रुपये की स्लैब की मशीन आएगा। अगर आप जो है 2 टैबलेट की मशीन लेते हैं तो आपको जो है कि 45,000 रुपये आएगा। 6 टैबलेट का मशीन लेते हैं तो 65,000 का आएगा, 10 टैबलेट लेते हैं तो 75,000 का आएगा। सर आपके पास स्लीपर बनाने की भी मशीन है जिसका मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर स्लीपर का मशीन जो है हमारे पास मैनुअल मशीन 25,000 रुपये का है, फुल डाई के साथ, फुल मशीन के साथ में। अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो 65,000 से लेके हमारे पास 1,20,000 रुपये तक की जो है मशीन है। जी सर, अब एक चीज़ और हम बीच में रोकना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को बनाना आसान होता है लेकिन बेचने में थोड़ा समस्या आ जाती है, तो क्या आपके तरफ से कोई मार्केटिंग में भी सपोर्ट किया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा अगर है तो बताइए। सर देखिए एक्चुअली आपने कहा कि बेचने में समस्या होता है, बेचने में कहाँ समस्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली अगर आप मशीन कहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे से नहीं किसी और से प्रोवाइड कर लिए, वो आपको टाइम पर रॉ मटेरियल नहीं देगा, आपका स्टाफ बैठा हुआ है, आपकी महीना तो चल रहा है स्टाफ का, प्लस आपकी माल में भी जो है कटौती करके आप माल ले आए, तो अच्छा माल जो है कि ज़्यादा का फर्क नहीं रहता है, 200-300 का सीट का डिफरेंस रहता है। चाहे कोई भी चीज़ का मटेरियल में लेता है तो 5-10 का फर्क रहता है। अगर अच्छा माल हम लेंगे तो मार्केट में मुझे खुद रिस्पांस आएगा, मैं कस्टमर के पास नहीं जाऊंगा, कस्टमर मेरे पास खुद चल के आएंगे। अगर आज मैं अच्छा काम कर रहा हूं तभी तो मैं आज 3 ब्रांच खोल के बैठा हूं। बिल्कुल। तो वही चीज़ होता है सर कि मार्केटिंग में जैसे उनको अगर कोई चीज़ का समस्या आ रहा है, जो हमसे मशीन भी नहीं लिए हुए हैं, अगर उनको भी कोई चीज़ का समस्या आ रहा है तो मैं उनको सॉल्व करूँगा। जी हिमांशु जी, जैसे कि मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे आज ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग के काम में जुटे हुए हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा वादा करते हैं सामने वाले से और लेने के बाद उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो मान लीजिए कि सामने से कुछ ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जो मशीन कहीं से मैन्युफैक्चरिंग कर लिए हैं, तो क्या अगर रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें या किसी भी तरह का टेक्निकल हेल्प उनको चाहिए तो क्या आप प्रोवाइड करवाएंगे? सर देखिए आपने कहा कि कोई जो है कि वादा बहुत बड़ा करता है। सर बहुत कंपनी में तो ये भी बोला जाता है कि मैं आपका माल किन लूँगा। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मैं आपका माल आपके कस्टमर, मेरा कस्टमर कोई मशीन लगाया हुआ है, जब मैं उनका माल किनूंगा तो मैं खुद अपना मशीन लगा के क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग करके बेचूंगा कि मैं अपने कस्टमर का माल लेके बेचूंगा। सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अगर कहता है कि मैं आपका माल ले लूँगा वो बिल्कुल गलत है, वो कुछ नहीं लेता है एग्रीमेंट करने की, वो कहता है कुछ ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ से आपको
आपको टेक्निकी का आपको कोई चीज़ का फॉल्ट आ रहा है तो मैं आपको 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप बिहार से हो तो चाहे दिल्ली से हो तो कहीं से भी हो, मैं आपको 48 घंटे में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मैं लिखित के साथ दूंगा, किसी प्रकार की उनको दिक्कत हो रहा है तो वो मेरे कंपनी में डायरेक्ट कॉल करें, मेरे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, मैं उनको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। अब सर एक चीज़ और जो बहुत ही मज़ेदार मशीन के बारे में आप बताए थे, ऑल इन वन के बारे में, उसमें क्या होता है एक तरह से हम समझे तो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मतलब एक मशीन में बहुत तरह का काम हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या बजट है उसके बारे में बताइए। सर देखिए, ऑल इन वन की बात मैं कर लूँ, ऑल इन वन जो ऐसा मशीन है कि आप दुनिया का सारा प्लेट से लेके कटोरा से लेके बफेट हो तो चाहे रिंकल हो तो चाहे कोर हो तो कोई भी आइटम आप बना सकते हैं, हमारे कंपनी में वो भी अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा अभी डिमांड है मार्केट में ऑल इन वन मशीन का, वो मैं जितने आपके व्यूजर्स देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आके मेरे ऑफिस में एक बार विजिट करें, लेना या ना लेना वो बात की बात है, वो आके कम से कम समझ ले, ताकि अगर कोई भी अगर उनके अगल बगल में बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो वो आके मेरे यहाँ से उनको तो कम से कम बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ पर मशीन मिल रहा है, आप वहाँ पर जाके वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारे यहाँ आके वो समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम उनको डेमो लाइव डेमो दिखाते हैं, ये नहीं कि मैं आपको उनको मशीन दिखाऊंगा, उनको अगर चलते हुए मशीन देखना है तो मैं उनको चलते हुए मशीन दिखाऊंगा। जो मैं एक मशीन देके आज मेरे कस्टमर 10-10 मशीन लगाए हुए हैं, मैं वैसे व्यक्ति के पास में ले जाकर उनको दिखाऊंगा। मैं सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। दोस्तों ये थे हिमांशु जी जो काफ़ी खुल के बताए और हर एक तरह के बजट में इन्होंने मशीन के बारे में आप लोगों को बताया है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस चीज़ में आना चाहते हैं या उनके अंदर इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ आके पहले अच्छे तरीके से इत्मीनान होकर चीज़ों को समझ लें, सब मशीन के बारे में उन यहाँ आके जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद अगर वो संतुष्ट होते हैं तभी वो मशीन लगाएँ। हिमांशु जी बहुत आज अच्छे स्तर पे दोस्तों पहुंच गए, बहुत छोटे स्तर से इन्होंने काम शुरू किया था और लगभग 8 वर्षों में एक अच्छे मुकाम को इन्होंने हासिल किया है। आज ये एक अच्छी सुविधा लोगों के बीच में प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसीलिए आज थोड़ी विश्वसनीयता इनकी मार्केट में बनी हुई है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, फिर भी अगर कोई मेरे से प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर दिया रहेगा, स्क्रीन पर भी सर का नंबर दिया हुआ है, तो आप इनसे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।